पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। आज हम पहली बार जम्मू आए थे और काफ़ी सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से, सिविल सोसाइटी से आके मिले और हमें बेहद खुशी हुई कि जो सेंटिमेंट हमने कश्मीर में देखा वही सेंटिमेंट हमने यहाँ भी पाया। काफ़ी डेलीगेशंस आई, सिख बरादरान की डेलीगेशन आई, उसके बाद कश्मीरी पंडित्स की, फिर गद्दी और सिपी कम्युनिटी जो हैं उनके लोग आए थे, उनके जो अपने मसले मसाइल थे उन पर बात हुई, ट्रांसपोर्टर्स की डेलीगेशन आई, गुजर बकरवाल भाई हमारे उनकी डेलीगेशन आई, लोकल एरियाज बठंडी बाकी इलाकों से डेलीगेशन आई, शेड्यूल कास्ट उनकी एक डेलीगेशन आई, ओबीसी की डेलीगेशन आई, फार्मर्स की डेलीगेशन आई और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दलित उनकी भी अलग से आई थी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो थे वो मिलकर बैठे, उनने इंटरेक्शन की सबसे मिलकर बड़े खुशगवार माहौल में। एंड वी कैन टेल यू दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ग्रेव प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉमन थ्रेड इन आवर थिंकिंग एंड देयर थिंकिंग वॉज दैट दे आर ऑल अनहैप्पी एंड हर्ट by the decisions of August 5. As much as we are hurt there, they are hurt here. We will continue this process. Apart from that, we had a meeting today, and one of the points on the agenda was the upcoming DDC elections. So we had decided in Kashmir that until we don't talk about our Jammu brothers, today's meetings, we had our interactions on the telephone, every party has talked to their people, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। कश्मीर में हमने ऑलरेडी अपने जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं उनके साथ बात की है, अब हमने यहां की और एक यूनानिमस डिसीजन हुआ दैट वी विल फाइट दीज इलेक्शंस यूनाइटेडली।